हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, लॉज ऑफ मोशन. तो आज के चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है मोशन. तो मोशन से स्टार्ट करेंगे हम. एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. द एग्जाम्पल, देर आर टू एग्जाम्पल्स, फ्लाइंग बर्ड एंड स्टेशनरी ट्रेन. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में अगर आपसे पूछे कि विच वन इज इन मोशन, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट फ्लाइंग बर्ड्स आर इन मोशन. स्टेशनरी ट्रेन आपके रेफरेंस में वो मोशन में नहीं है, इट्स इन रेस्ट पोजिशन. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं. एंड देर आर मैनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ विच वी कैन से दैट द थिंग्स आर एट रेस्ट पोजिशन और इन मोशन. ठीक है, तो अब मोशन इतना सिंपल एक फिनोमिना नहीं होता है कि आपको जो दिखता है वो वैसा ही है, मोशन में है या रेस्ट में है. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्टूडेंट बस का एग्जाम्पल है कि हम बस का एग्जाम्पल लेते हैं सपोज. तो बस के एग्जाम्पल में आप देखते हो कि अगर बस में अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो विद रेफरेंस टू यू, अगर आप बैठे हैं यहाँ पे, तो विद रेफरेंस टू यू अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ये पर्सन रेस्ट पोजीशन में होगा, होगा ना, ये रेस्ट पोजीशन में है. लेकिन इसी पर्सन को अगर कोई बस की विंडो से बाहर देख रहा है, तो वो विद बस वो पर्सन भी क्या है, मोशन में है. तो जो बस से बाहर देखेगा उसकी रिस्पेक्ट में दिस पर्सन इज इन मोशन, आपकी रिस्पेक्ट में दिस पर्सन इज एट द रेस्ट पोजीशन, क्योंकि वो आपके बगल में बैठा है. तो अगर ये पर्सन आपका नेक्स्ट टू यू और अगर कोई बाहर वाला पर्सन है आउटसाइड, तो दोनों के जो आपका मोशन का जो रेफरेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा. अभी वो कैसे डिफरेंट हुआ स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट हुआ फ्रेम से. मींस यहां पे बस में आप हैं और एक और आपका फ्रेंड है और एक आउटसाइड दी बस है. तो इसके रेफरेंस में यू बोथ आर इन द मोशन और एक दूसरे के रेफरेंस में यू बोथ आर एट द रेस्ट पोजीशन. तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि जो मोशन है इट इज अ रिलेटिव टर्म. ठीक है, क्योंकि किसी के रेफरेंस में मोशन में हो सकता है. अभी जैसे हमने स्टेशनरी ट्रेन की बात की, तो स्टेशनरी ट्रेन अगर आप देख रहे हो तो इट्स एट रेस्ट पोजीशन. लेकिन अगर आप स्टेशनरी ट्रेन आउटसाइड द अर्थ अगर आप बात करें, तो अर्थ मोशन में है, तो दैट मीन्स ट्रेन भी मोशन में है. तो अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है यहाँ पे, मीन्स ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर ये चेंज होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हैं अंदर बैठे हुए और एक है बाहर से देख रहा है जो, तो उसके चेंज होने से मोशन का जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मोशन एंड रेस्ट पोजिशन को, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे. तो मोशन के लिए हम लिखेंगे पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन of an object in changing with respect to its surrounding, with respect to its surrounding. So the definition of motion is position of an object is changing with respect to its surrounding. It means object is in motion. अगर position object की अपने surrounding के respect में change हो रही है, जैसे हमने bus के case में देखा था. ठीक है, मतलब बस की या बस के अंदर जो बैठे हैं passengers, उनकी position with respect to surrounding, जो बॉय यहाँ पे खड़ा है इसकी रिस्पेक्ट में इस बस की पोजीशन और इसके अंदर पैसेंजर की पोजीशन चेंज हो रही है. अभी ये बस यहाँ पे है,
अभी ये बस यहाँ पे आ गई, अभी ये बस यहाँ पे आ गई. तो विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग इस बस की पोजीशन चेंज हो रही है, मींस ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर बस यहाँ पे है और इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये यहाँ पे है, ठीक है. अभी एक सेकेंड, दो सेकेंड, आपके 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड टाइम इज पासिंग, बट ऑब्जेक्ट इज एट द सेम पोजिशन, मीन ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट पोजिशन. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मोशन एंड रेस्ट में क्या डिफरेंस है. नाउ वी विल टेक दीज टू टॉपिक्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वन बाई वन पहले हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे इसको कि वॉट इज डिस्टेंस एंड वॉट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पोजिशन ए और एक पोजिशन है यहाँ पे बी. अब आपको यहाँ से और यहाँ पे आपको ट्रेवल करना है एंड यू हैव अ पाथ. आपको ऐसे जाना है, फिर वापस आके फिर ऐसे और फिर आप ऐसे पहुँच रहे हो. सो दिस इज द वन पाथ, ठीक है. एक और पाथ हो सकता है कि आपने ये ऐसे और ऐसे घूम के फिर आप यहां पे पहुंचे, तो दिस इज सेकंड पाथ. तो दो पॉइंट्स पे पहुंचने के हमारे पास दो एंड टू, मोर देन टू पाथ्स हो सकते हैं. तो यहां पे इस केस में आप फर्स्ट पाथ देख रहे हो, इधर से गए हम, फिर हमको बेंड होना पड़ा, फिर हम यहां पे पहुंचे एंड दिस पाथ वन एंड पाथ टू, दीज आर डिस्टेंसेज. इसको हम कहते हैं डिस्टेंस. मतलब डिस्टेंस के लिए हमको क्या मिला, एक टर्म एक्चुअल पाथ. क्या टर्म मिला स्टूडेंट्स? एक्चुअल पाथ, ठीक है. यहां से जो भी पाथ है हमारा, दैट इज डिस्टेंस. अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट रूट. अब यहां से यहां पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? यहां से यहां पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ ये हो सकता है, यहां से और यहां तक. सो दिस इज द ओनली वे जो आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं. तो ये वाला जो डैश करके मैंने लिखा, ड्रॉ किया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम पाथ ट्रेवल, कितना जो मिनिमम डिस्टेंस आपका इसका डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम डिस्टेंस. तो इंटरेस्टिंग है ये, राइट. तो डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ, कि आपको कहीं से भी कैसे भी ट्रेवल करना पड़ता है, दैट इज एक्चुअल पाथ. और डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम पाथ. तो डिफरेंट डिफरेंट हम शेप्स में देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आपकी बुक में जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं चलिए कि कैसा है. तो आपके बुक एग्जाम्पल में कहा है कि इफ देर आर टू फ्रेंड्स जिनका घर यहाँ पे है, ठीक है. ये दो फ्रेंड्स हैं जिनका घर यहाँ पे है. अब ये इसमें से एक फ्रेंड क्या कर रहा है कि ये पहले अपने दूसरे वाले फ्रेंड के घर जाता है. एक और फ्रेंड है, ये अपने दूसरे फ्रेंड के घर जाता है. अब ये वाला जो फ्रेंड है, वन टू थ्री, ये थ्री फ्रेंड्स हैं. तो अभी जो दूसरा वाला, सेकंड वाला जो फ्रेंड है, अब ये दोनों मिलके अब ये स्कूल जा रहा है. यहाँ पे स्कूल है, ठीक है. अब ये दोनों मिलके स्कूल जाएंगे. तो ये जो फ्रेंड है, इसने यहाँ ट्रेवल किया पहले अपने थर्ड वाले फ्रेंड के पास, अब ये दोनों फ्रेंड मिलके स्कूल जाएंगे और ये यहाँ पे. तो पहले सेकंड वाले फ्रेंड ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो ये आपके बुक में लिखा है, ये है 500 मीटर पहले ट्रेवल किया और उसके बाद इन्होंने और 1200 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है. और ये स्कूल पहुंच गए. अब लेकिन ये जो फर्स्ट वाला, एक जो दूसरा वाला फ्रेंड है इनका, वो ऐसे नहीं गया. उसने क्या किया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. अब घर से स्कूल तक जाने का इस वे में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है ये वाला. सॉरी, ये हो सकता है ये वाला पाथ, ठीक है, दिस वन. ये वाला पाथ. तो ये जो फ्रेंड था ये यहां से गया और डायरेक्टली स्कूल पहुंच गया. तो अब हमको
तीनों स्टूडेंट्स ने कितना ट्रैवल किया उतना हमारे पास डेटा है, तो वन बाय वन हम उसको समझेंगे। जैसे हमने इस वाले केस में समझा, तो चलिए इस केस में पहले हम डेटा समझते हैं। तो इस केस में फर्स्ट जो सेकंड एंड थर्ड जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो ट्रैवल किया एक्चुअल पाथ डिस्टेंस वो ट्रैवल किया 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, ठीक है 1700 मीटर डिस्टेंस दोनों फ्रेंड्स ने ट्रैवल किया, फ्रेंड टू एंड फ्रेंड थ्री ने। फर्स्ट फ्रेंड की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस हम निकालते हैं स्टूडेंट्स पाइथागोरस से, ठीक है। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से तो उसके लिए हमको ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, हम इसका नेमिंग कर देते हैं, चलो ए बी सी पॉइंट्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ ए बी स्क्वायर इज 500 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 1200 का स्क्वायर, सो द नंबर वी विल गेट इज 250000 प्लस 12 × 12 इज 144000, ठीक है। ये हमको नंबर मिलेगा, अगर आप दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 4 and 5 9 और 6 169000, ठीक है। तो अंडर रूट अगर हम इसका निकालेंगे तो अंडर रूट ए सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1300 मीटर। तो यहाँ पे जो इसने ट्रैवल किया है वो है 1300 मीटर, ये जो फर्स्ट फ्रेंड है इसने इतना ट्रैवल किया। कैसे कैलकुलेट किया हमने, मिनिमम डिस्टेंस है ये। तो एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट था, ये वाला दिस वन, ये तो डिस्टेंस था, ठीक है डिस्टेंस निकाला, और ये जो हम निकाल रहे हैं ए सी स्क्वायर से ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पाथ हमको ट्रायंगल में इस फॉर्म में आता है तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं दोनों आर्म्स का जो वैल्यू दिया है उनको ऐड करके, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल के डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस कैसे निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। तो अभी हमने ट्रायंगल शेप में पढ़ा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम सर्कल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये पोजिशन है, इफ देयर इज अ पर्सन जो कि यहाँ से ट्रेवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ, ये गार्डन का पाथ है या कोई भी पाथ हो सकता है, और ये चलता जाएगा एंड फाइनली इट विल रीच हेयर, ठीक है ये इस पोजिशन पे पहुंचेगा। तो अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितना डिस्टेंस एक्चुअल पाथ क्या है इसमें, ये एक्चुअल पाथ है, यहां से चल रहे हैं यहां से चल रहे हैं यहां से चल रहे हैं यहां से चल रहे हैं, तो एक्चुअल पाथ इज सर्कमफेरेंस। तो हम अगर सर्कुलर पाथ है तो हम सर्कमफेरेंस 2πr से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। सर्कमफेरेंस से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट आप देखिए खुद से, यहां पे इनिशियल पोजीशन थी, स्टार्ट कहां से किया था, यहां से स्टार्ट किया था, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और चलते हुए फाइनल पोजीशन भी क्या है आपकी सेम है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होता है सर्कुलर पाथ में, डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो होता है, नो डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, लिख सकते हैं आप इनिशियल एंड फाइनल
पोजिशंस आर सेम, दिस इज द रीजन. तो इस केस में हो गया, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं कि इसका कुछ रेडियस होगा पर्टिकुलर, सपोज इसका रेडियस है 100 meters, तो अगर आप हाफ सर्कल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो हमने हाफ सर्कल लिया. अगर एक पर्सन यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया इनिशियल, और यहां पे ये फाइनल पोजीशन है, ये यहां पे आके स्टॉप हुआ, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड वो कितना होगा? हाफ सर्कमफेरेंस किया है ना इसने कवर, तो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस 2πr इज इक्वल टू पाई आर. तो इसमें ये वैल्यू होगी, पाई आर वैल्यू होगी डिस्टेंस के लिए हाफ सर्कल में. और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, यहां से लेके और यहां तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है यहां से लेके और यहां तक, मतलब अगर आप 100 meters इसका रेडियस कंसीडर करते हैं तो 2r होगा, मतलब पूरा डायमीटर यहां से लेके यहां तक जो कवर कर रहा है वो 2r. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, ठीक है, यहां से लेके और यहां तक की पोजीशन. अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, इफ देयर इज अ कार, ये कार है और ये कार ने यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ये ट्रेवल किया एक ए पोजीशन से बी पोजीशन, ठीक है. सपोज ये चली 1000 meters इस डायरेक्शन में, ठीक. अब ये 1000 meters ए से बी, और ये फिर से वापस आ रही है, ये फिर से वापस आ रही है एंड सेम इस पोजीशन पे आ गई, यहां पे आ गई, फिर से ए पोजीशन पे कार वापस आ गई है. तो इस केस में जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे लीनियर पाथ में, हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, किया है ए से बी और फिर से बी से ए, ए से बी 100 है और फिर से बी से ए वापस आया, फिर से 100 वापस आया. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय, चलो 100 meters ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 200 meters. अब इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. ए से बी में गया, फिर से बी से ए में वापस आया, इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन थी ए. फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन इज अगेन ए. तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. या आप ये कह सकते हैं कि ए टू बी जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 100 meters, फिर बी से ए, क्योंकि अभी यहां पे डायरेक्शन का टर्म आ जाता है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन हम वेलोसिटी एंड स्पीड के बाद पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट आपको जीरो बता रही हूं अभी. अदरवाइज ये डायरेक्शन के बेस पे होता है एक्चुअल में. जैसे देखो डिस्टेंस में क्या था, ए बी जितना ट्रैवल किया और बी ए जितना ट्रैवल किया, क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हैं, बस मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो यहां पे हमने ऐड कर दिया यहां. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डिटेल अभी हम कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस केस में हमको साइन पुट करना पड़ता है. तो अगर आप सिंपल जीरो अगर समझ नहीं आ रहा है, आप साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी चलिए बताते हैं कि ए बी ट्रैवल किया इस डायरेक्शन में, गया ईस्ट डायरेक्शन में, अभी फिर से वेस्ट डायरेक्शन में वापस आ रहा है, प्लस माइनस बी ए. तो इस केस में फिर स्टूडेंट ये हो जाता है 100 है ए बी प्लस माइनस बी ए का जो डिस्टेंस इज ऑल्सो 100, तो ये जीरो आ जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है. क्यों कैंसिल हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है, ठीक है. तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पाथ ट्रेवल जब करता है ऑब्जेक्ट, तो उनमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे आप कंसिडर करेंगे वो सब ये सारे हैं, तो आप इनको नोट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड ईच डिफरेंस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस. तो ये तो हमको मालूम है, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है ए से बी में, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. ऐसे भी हो सकता है ये पाथ, ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है ना? तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट इज दिस पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज डिस्प्लेसमेंट. नंबर टू, डायरेक्शन नॉट एसोशिएटेड. जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन एसोशिएट नहीं होता है, इसीलिए तो हम सब कुछ एड ऑन कर देते हैं. मीन्स कि अगर कोई पर्सन यहाँ से ईस्ट गया 5 किलोमीटर, फिर वो यहाँ से नॉर्थ गया 5 किलोमीटर, फिर वो इधर से साउथ की तरफ आ रहा है 5 किलोमीटर, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ऑन ऑल द डिस्टेंसेस 5, 5, 5, ठीक है, 15. आप कहेंगे टोटल ये 15 किलोमीटर गया, इसमें डिस्टेंस एसोशिएट नहीं होता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, सॉरी, इसमें डायरेक्शन एसोशिएट नहीं होता है, डिस्टेंस होता है बस. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एसोशिएट होगा. इफ़ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग टू ईस्ट और फिर वो नॉर्थ जा रहा है, फिर वो नॉर्थ से साउथ आ रहा है, तो क्योंकि डायरेक्शन एसोशिएट है तो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, वैल्यूज़ ऐड ऑन होंगी. ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं. तो डिस्प्लेसमेंट में जब जब डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, आपने डायरेक्शन को बहुत अच्छे से क्वेश्चन में समझना है. इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. फिर थर्ड है कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी. तो स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जो बस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 1 kg पोटैटो लिया, आपने 1 kg पोटैटो लिया. अब 1 kg पोटैटो में आपको जो 1 kg है, आपको किससे मतलब है? आपको बस 1 kg से मतलब है. ठीक है, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी. सेम वे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस में आपको बस मैग्नीट्यूड से मतलब होता है कि कितना टोटल ट्रैवल किया है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन से भी फर्क पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे खड़े हो और आप कोई एड्रेस पूछ रहे हो और आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो उसका मीनिंग है ना, अगर आपसे कोई कहेगा कि आपको 1 kilometer जाओ आप, तो आपको आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा. लेकिन 1 kilometer किधर जाना है आपको, वो मैटर करेगा ना? तो उस केस में डायरेक्शन आ जाता है. 1 kilometer अगर आप लेफ्ट जाते हो तो आपका डेस्टिनेशन है, 1 kilometer आप राइट जाते हो तो आप तो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे. तो यहाँ पे डायरेक्शन एसोशिएट हो जाता है, इसलिए आप प्लस माइनस हमको करना होता है. तो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन एसोशिएट होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ वैक्टर क्वांटिटी. जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा कभी, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. अगेन ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इनको समझने के लिए, तो ये हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे. लास्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस के नॉट बी जीरो. आप ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ ट्रैवल किया, पाथ ट्रैवल किया और वो पाथ जीरो था. नहीं, वो जीरो नहीं होगा कभी भी, उसका कुछ तो नॉन जीरो वैल्यू होगी. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो येस, इट कैन बी जीरो, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करके आते हैं और आपकी फाइनल और इनिशियल पोजिशन सेम है, तो वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप जीरो कंसिडर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं इस चैप्टर में, वो है मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आप पॉज करके इनके डिफरेंस नोट करेंगे और फिर सारे कॉन्सेप्ट्स हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे भी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं कॉन्सेप्ट्स. अगर ये अभी क्लियर नहीं होंगे आपको, तो हायर क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट एज सच आपके अपग्रेड होते जाएंगे स्लोली स्लोली. तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं. थैंक यू सो मच.